दुनिया भर में छोटी काशी के नाम से पहचान बनाने वाले मंडी शहर के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर के स्वयंभू शिवलिंग का 1100 पुष्प कमलों से श्रृंगार किया जाएगा। ये श्रृंगार 10 व 11 अगस्त को किया जाएगा, जिसकी जानकारी बाबा भूतनाथ के महंत देवानंद सरस्वती ने दी। उन्होंने कहा कि श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। इसमें पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व रखता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास के अवसर पर 10 अगस्त को बाबा भूतनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। जलाभिषेक को लेकर भूतनाथ मंदिर में शिव बावड़ी तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। वहां से पवित्र जल लाकर बाबा भूतनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही बेलपत्र, ललिता शस्त्र, नाम पाठ के साथ 1100 कमल पुष्प द्वारा भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार किया जाएगा। देवानंद सरस्वती ने कहा कि श्रावण के हर सोमवार को भोलेनाथ बाबा की विशेष पूजा और श्रृंगार किया जाएगा। इस दौरान खीर भी भक्तों को वितरित की जाएगी। 11 अगस्त को बाबा भूतनाथ मंदिर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में कल से श्रावण मास की शुरुआत है और सभी शिव भक्त बाबा भूतनाथ जी को पूजन पाठ अभिषेक सब कर रहे हैं। इसी प्रकार पूरा श्रावण मास भक्तों के लिए बाबा भूतनाथ जी के दर्शनार्थ सेवार्थ से खुले रहेंगे। तो श्रावण मास का जो कार्यक्रम है 10-11 तारीख को शिव बावड़ी का पवित्र जल सभी भक्तों के द्वारा माताएं बच्चे बच्चियां सब जल ला के बाबा भूतनाथ जी को जलाभिषेक करेंगे। तत्पश्चात 1100 कमल पुष्प ललिता सहस्त्र नाम पाठ के साथ में बाबा को अर्पित किए जाएंगे, चढ़ाए जाएंगे, श्रृंगार किया जाएगा और अगले दिन भंडारा है बाबा भूतनाथ जी का। तो सभी भक्तों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आशीर्वाद। ऐसा ऐसा कार्यक्रम श्रावण मास का बाबा भूतनाथ जी का जी। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।